उत्तराखंड के मसूरी में राज्य सरकार की होटल रेस्टोरेंट को खोलने को लेकर जारी गाइडलाइन के बाद भी मसूरी शहर के 95% होटल रेस्टोरेंट बंद है और शहर के केवल छोटे रेस्टोरेंट ही खुले हुए हैं। तो आपको बताया कि उत्तराखंड में मसूरी में 95% तक जो होटल हैं वो बंद है। और राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद एक बार फिर द्वारा जो है मसूरी शहर में कहीं ना कहीं हलचलें शुरू हो गई हैं और जो होटल और रेस्टोरेंट के स्वामी हैं वो अब बैठक करने जा रहे हैं कि आखिरकार होटलों को खोला जाए या नहीं, अगर संचालित भी करते हैं तो किस तरीके से करा जाए, क्योंकि ये भी उनके आगे एक बड़ी चुनौती सामने नजर आ रही है। किस तरीके से आखिरकार जो कस्टमर बाहर से आएगा, जो पर्यटक यहाँ पर आएगा, उसको किस तरीके से उसका विवरण लिया जाएगा, किस तरीके से उसे सैनिटाइज किया जाएगा या किस तरीके से उसका रखरखाव किया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर अब चर्चा जो है जोर पकड़ने लगी है। तब तक के लिए शहर के अधिकांश जो रेस्टोरेंट हैं, जो होटल हैं, वो बंद हैं। केवल जो छोटे रेस्टोरेंट हैं अभी तक केवल वही खुल रहे हैं जिनपे केवल लोकल लोगों की आवाजाही होती है, जो लोकल लोग जो केवल जो लोकल लोग जहाँ बैठते हैं वही रेस्टोरेंट इस समय पर खुल पा रहे हैं। बाकी के जो पर्यटक बेस्ड, क्योंकि पर्यटक बेस्ड नगरी है मसूरी, तो अभी तक जो पर्यटक बेस्ड होटल हैं या रेस्टोरेंट हैं वो तमाम अभी भी बंद पड़े हुए हैं। और अभी इसके बाद जो एक बैठक होने जा रही है होटल स्वामियों की और रेस्टोरेंट स्वामियों की, उसमें निकल के आएगा कि आखिरकार आगे किस तरीके से होटल और रेस्टोरेंटों को संचालित किया जाएगा। आशीष भट्ट, R9 TV, मसूरी।